हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट स्टडी सेंटर। मैं रोहित आपके अपने पूरियर करंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर डेली सुबह में करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज है 11 जून 2020। 11 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने फेसबुक ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप फेसबुक ग्रुप में जाके भी फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। तो अभी मणिपुर के सीएम ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, प्लांट हेल्थ क्लिनिक। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कृषि और बागवानों के द्वारा मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल सके। अब ये मणिपुर ने उद्घाटन किया है, तो मैप में देखते हैं मणिपुर को। ये है मैप में मणिपुर जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ये है मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, मणिपुर के सीएम एन वीरेन है। कौन है? एन वीरेन है। और मणिपुर के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो मणिपुर के पड़ोसी राज्य हैं, ये है असम, ये है नागालैंड, ये है अरुणाचल प्रदेश, और ये है मिजोरम, और ये है त्रिपुरा, और इधर में है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में FSSAI ने फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 जारी किया, इसके अनुसार बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो अभी FSSAI ने फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया है, और इसके अनुसार गुजरात टॉप पे रहा है बड़े राज्यों में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये बड़े राज्यों में तो गुजरात टॉप पे है, और छोटे राज्यों में कौन टॉप है? तो छोटे राज्यों में गोवा टॉप पे है, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ टॉप पे है। अब यहाँ पर वर्ड आता है FSSAI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरपर्सन रीता टोयोटिया है। कौन है? रीता टोयोटिया। और इसके CEO अरुण सिंघल अभी नए नियुक्त हुए हैं। अब बड़े राज्यों की लिस्ट में गुजरात टॉप पे रहा है, तो मैप में देखते हैं गुजरात को। यह है मैप में गुजरात जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। यह है गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के CM विजय रूपाणी है, और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात के पड़ोसी राज्य यह है राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश, और ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है। तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वंदे उत्कल जननी, इसे लिखा किसने था? तो इसे लिखे थे कांत कवि लक्ष्मीकांता महापात्रा ने 1912 में। किसने? कांत कवि लक्ष्मीकांता महापात्रा ने। अब इसे राज्यगान का दर्जा उड़ीसा ने दिया है, तो मैप में देखते हैं उड़ीसा को। ये है मैप में उड़ीसा जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, उड़ीसा के CM नवीन पटनायक है, और उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल है। कौन है? गणेशी लाल। और नवीन पटनायक से क्वेश्चन याद आता है कि हीरो टू एनिमल अवार्ड से पेटा ने किसे सम्मानित किया था। तो पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवीन पटनायक को सम्मानित किया था। और ये पेटा क्या है? तो जानवरों के हितों के लिए कार्य करने वाली ये एक संस्था है। और उड़ीसा से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखते हैं। जैसे कि COVID-19 से मरने वाले पत्रकारों के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने 15 लाख रुपये देने की घोषणा की थी, और उड़ीसा में ह्यूलर द्वीप और उसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। और भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में ही है। और उड़ीसा का पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा का पड़ोसी राज्य है, ये है पश्चिम बंगाल, ये है झारखंड, ये है छत्तीसगढ़, और ये है आंध्र प्रदेश, ये है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, इस राज्य कौशल पोर्टल, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उद्योगों द्वारा उन श्रमिकों के रोजगार की समस्या को दूर करना
जिन्होंने रोजगार न मिलने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये राजस्थान ने शुभारंभ किया है, तो मैप में देखते हैं राजस्थान को। ये है मैप में राजस्थान जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। कौन है? कलराज मिश्रा। और राजस्थान के पड़ोसी राज्य ये है मध्य प्रदेश, ये है गुजरात, ये है पंजाब, ये है हरियाणा और ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो अभी कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब तक गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारत और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था, इसकी लंबाई 3 मीटर। अब कर्नाटक में हुबली रेलवे स्टेशन को बनाया जा रहा है और इसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। हुबली रेलवे स्टेशन की प्रेजेंट टाइम पे लंबाई 550 मीटर है। अब ये कर्नाटक के में बनाया जा रहा है, तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर है। कर्नाटक के सीएम बीएस येदुरप्पा हैं और कर्नाटक के गवर्नर बजूभाई वाला हैं। कौन है? बजूभाई वाला। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक्का हैं। कौन है? अभय श्रीनिवास ओक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में कौन सा देश वर्तमान में उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबोला से प्रभावित था? तो अभी अमेरिका उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबोला से प्रभावित है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब बात आती है अमेरिका की, तो मैप में देखते हैं अमेरिका को। ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका नॉर्थ महाद्वीप में स्थित है और अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया है? तो अभी महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जया जेटली की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगर अदर ऑप्शन की डिस्कस करें तो भी विद्यार्थी ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बनी है। किसकी? ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी नई अध्यक्ष बनी है स्मृति ईरानी। ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं और स्मृति ईरानी को एक और कार्यभार दिया गया है। कौन सा? कपड़ा और उद्योग मंत्रालय, स्मृति ईरानी के ही पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो COVID-19 के कारण किसानों की कृषि गतिविधियों का सहयोग के लिए नाबार्ड ने असम ग्रामीण बैंक को 270 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये नाबार्ड ने देने की घोषणा की है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हर्ष कुमार भनवाला है। कौन है? हर्ष कुमार भनवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो अभी गूगल क्लाउड ने अपना भारत में नया वरिष्ठ अनिल बलूरी को नियुक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब बात आती है गूगल की, तो इसके बारे में जानते हैं। गूगल की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना सितंबर 1998 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और कैलिफोर्निया USA में है और इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। कौन है? सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं और इसके CEO सुंदर पिचाई हैं। कौन है? सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है, तो मैप में देखते हैं मध्य प्रदेश को। ये है मैप में मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन है। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स की क्वेश्चन की बात करें तो भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक मध्य प्रदेश के भोपाल में खुला था। बुखार क्लिनिक योजना मध्य प्रदेश ने ही शुरू की थी। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश ने ही शुरू की थी। और मध्य प्रदेश की पुलिस ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की थी। और 2012 से 2019 तक सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु मध्य प्रदेश में ही हुई है और सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में ही हैं। थैंक्स मोग मांग का वृक्षारोपण अभियान मध्य प्रदेश ने ही शुरू किया था। जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश ने ही शुरू की थी। और मध्य प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो ये है राजस्थान, ये है गुजरात, ये है महाराष्ट्र, ये है छत्तीसगढ़, ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस राज्य के इंजीनियर ने कोरोबाट नाम का रोबोट बनाया है? तो अभी महाराष्ट्र का एक इंजीनियर और उन्होंने कोरोबाट नाम का एक रोबोट बनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी महाराष्ट्र के इंजीनियर ने बनाया है, तो मैप में देखते हैं महाराष्ट्र को। ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित विकसित किया है? तो अभी वायुसेना ने मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित विकसित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अर्पित, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेट ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेट ट्रांसपोर्टेशन। और बात आती है भारतीय वायुसेना की, यानी कि इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष RKS भदौरिया है। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक ग्रुप का लिंक दे दिया है, तो उसमें आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा।